द्वारा वसई तालुका कला क्रीड़ा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस साल भी हर साल की तरह 26 दिसंबर को वसई तालुका कला क्रीड़ा महोत्सव का उद्घाटन और 31 तारीख को समापन समारोह होने वाला है, जिसके कार्यक्रम की पूरी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा आज जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि ये कला क्रीड़ा महोत्सव आप देखते हैं हर साल वसई का एक बड़ा इवेंट है, जिसमें पिछले साल 55,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था और इस साल भी पिछले साल से ज़्यादा लोग हैं जो इसमें हिस्सा ले रहे। प्रतिस्पर्धा अलग अलग तरह की, 72 प्रतिस्पर्धा यहाँ पर कला और क्रीड़ा की होती है, जिसमें सिर्फ स्कूली बच्चे ही नहीं, 18 साल से लेकर 60 साल तक के बुजुर्ग भी अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में भाग ले सकते हैं। यहाँ एक मंच है। वसई तालुका कला क्रीड़ा महोत्सव का 34वां वर्ष है। हर साल बड़ी ही धूमधाम से ये 6 दिनों का महोत्सव ही है। ये कला क्रीड़ा एक कोई खेल का आयोजन नहीं है, एक बड़ा महोत्सव है और हर साल ये बड़ी धूमधाम से वसई बाजार में होता है। इस साल भी इसका आगाज 26 तारीख को है, 31 तारीख को समापन होगा और वहीं 1 तारीख के नए साल का स्वागत किया जाएगा। तो इस कार्यक्रम की पूरी डिटेल आज कला क्रीड़ा मंडल के सदस्यों द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई है, आप आगे सुनेंगे। वो आप यहाँ अभी देख सकते हैं कला क्रीड़ा का पूरा वेला पत्रक, समय सारणी, टाइम टेबल दिया हुआ है, कब कहाँ क्या होने वाला है उसकी पूरी जानकारी है यहाँ पर। और इस समय चिमाजी अप्पाजी ग्राउंड में है, यहाँ पर सभी तरह के खेल, शारीरिक जो खेल है वो यहाँ पर होते हैं, उसके अलावा कला संबंधित जो भी प्रतियोगिता है वो बाजू के स्कूल में, वहीं तैराकी प्रतिस्पर्धा है वो तैराकी प्रतिस्पर्धा महानगर पालिका के स्विमिंग पूल में, और अलग अलग प्रतिस्पर्धा अलग अलग जगह पे होती है। ऐसा हर साल की तरह इस साल भी आयोजन होने वाला है। यहाँ कला क्रीड़ा महोत्सव की आप तैयारियों का भी जायजा देख सकते हैं। तैयारियाँ भी यहाँ ग्राउंड पर शुरू है। इस समय ग्राउंड पर लोग लगे हुए हैं जो इसको ग्राउंड को तैयार कर रहे हैं कला क्रीड़ा महोत्सव के लिए। हम सभी जानते हैं कला क्रीड़ा महोत्सव में कई लोगों को यहाँ एक मंच ऐसा मिलता है कि उस मंच पर आकर प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। यहाँ कला क्रीड़ा महोत्सव द्वारा कई लोगों को सम्मानित किया जाता है, कई विशिष्ट लोग और खासकर पुराने खिलाड़ी जो यहाँ से निकले हुए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाते हैं उनका सम्मान किया जाता है, उनको विशिष्ट अतिथि के तौर पर यहाँ आमंत्रित किया जाता है। तो काफ़ी बड़ा ये आयोजन हर साल होता है और इस साल भी होने वाला है। 26 तारीख को जुड़े इस कला क्रीड़ा महोत्सव से और इसको सफल बनाने में अपना जितना दमखम लगता है लगाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे शहर का नाम रोशन करने वाली एक बड़ी प्रतियोगिता नहीं, बड़ा आयोजन है। साथ ही साथ इस कला क्रीड़ा महोत्सव में कुछ ऐसी अलग विशिष्ट चीज़ें हैं कि कुछ यहाँ स्टॉल पीछे की तरफ उनका काम जारी है, सामने की तरफ स्टॉल है उनका काम जारी है, या कुछ ऐसे एनजीओ को, ऐसे कॉलेज को यहाँ स्टॉल दिए जाते हैं जो अपने कुछ अलग चीज़ों का प्रदर्शन करते हैं ताकि लोगों को उनके बारे में जानकारी मिले। वहीं आज यहाँ कला क्रीड़ा महोत्सव के पदाधिकारियों द्वारा जो नए छात्र हैं आईटी में या इंजीनियरिंग में जो कुछ बहुत अच्छा वो कर पा रहे हैं, उनको भी यहाँ आह्वान किया गया है कि वो आए और अपना कुछ उनका इन्वेंट है तो उसका प्रदर्शन करें, ताकि उनको यहाँ से एक मंच मिले और वो अपनी बातों को लोगों के बीच में पहुँचाए और कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। तो बने रहिए हमारे साथ इस कला क्रीड़ा की भी। 6 दिन हम आपको अलग अलग जरूर अपने वीडियो के माध्यम से अपडेट देते रहेंगे। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों तक, अधिक से अधिक लोगों तक ये खबर पहुंचे और उनको जानकारी मिले। अभी के लिए इतना ही। वसई से यूसुफ अली। 34वां कला क्रीड़ा महोत्सव आने वाला है, किस तैयारी किस तरह से चल रही है और क्या कहना चाहेंगे? 34वां कला क्रीड़ा महोत्सव की हमारे गए 3 महीने से हमारे कार्यकर्ताओं की तैयारी शुरू है और वो एकदम लास्ट स्टेज में है। सब कुछ रेडी है। अभी 26 तारीख से 25 और 26 तारीख से हमारी कॉम्पिटिशन शुरू हो जाए। हर एक क्रीड़ा प्रकार, कला प्रकार जो है उसको एक इंचार्ज है, विभाग प्रमुख है, वो विभाग प्रमुख और उसके साथ में जो कार्यकर्ता है उन्होंने मिलजुल के हर एक अपने विभाग की तैयारी की है और सब रेडी। पिछले साल के अलावा इस साल कुछ नई प्रतियोगिताएं भी शामिल की गई है, ऐसी कौन कौन सी प्रतियोगिता और उनको शामिल करने के पीछे क्या मकसद था? 3 नई प्रतियोगिता हमने की है। स्केटिंग जो अपने विरार में जो इंटरनेशनल स्केटिंग रिंग है वहाँ स्केटिंग बहुत सारे स्कूल ने और छात्राओं ने हमें अप्लाई किया कि स्केटिंग की कंपटीशन दो, तो वो हम नया
हमें स्पोर्ट्स क्लब जो है विरार में वहाँ स्केटिंग की स्पर्धा शुरू कर रहे हैं। आर्चरी जो लास्ट ईयर हम लोग ने डेमोन्स्ट्रेशन रखा था, तो इस साल आर्चरी की कॉम्पिटिशन हमने शुरू की। और रूबिक क्यूब जो आजकल के बच्चे मोबाइल में गड़े रहते हैं, वो मोबाइल से बाहर निकल के रूबिक क्यूब में मोबाइल से बाहर निकले, इसलिए हमने रूबिक क्यूब स्पर्धा वो हमने ये साल नहीं इंट्रोड्यूस की। अभी तक कुल कितने रजिस्ट्रेशन हुए और पिछले साल से ज़्यादा लोग हैं या अभी कमी आई? पिछले नहीं, कमी तो नहीं है, पिछले साल जो है उससे थोड़े ज़्यादा है, 55,000 से ऊपर रजिस्ट्रेशन पूरे हुई। अच्छा, सभी प्रतियोगिता कहाँ कहाँ किस किस स्थान पर होगी, एक जरा सा उसका विवरण? कला विभाग में जो प्रतियोगिता रहेगी वो सब इंग्लिश स्कूल में रहेगी, और इंडोर स्पोर्ट्स जो रहते हैं यहाँ क्रीड़ा मंडल में होते हैं, यहाँ इंडोर स्पोर्ट्स में कैरम होते हैं, यहाँ चेस होता है, यहाँ राइफल शूटिंग होती है, यहाँ होती है। बाजू में समाज मंदिर जो है वहाँ सभी मार्शल आर्ट, कराटे, टाइकोंडो, मिक्स मार्शल आर्ट, किक बॉक्सिंग ऐसी प्रतियोगिता होती है। और अपना जो ग्राउंड है वहाँ एथलेटिक और सब ग्रुप स्पोर्ट्स उसकी प्रतियोगिता होती रहती है। बैडमिंटन जो है वसई विकास बैंक का जो इंटरनेशनल लेवल का बैडमिंटन कोर्ट, वसई विकास बैंक की जो एक बिल्डिंग है उसके ऊपर है, वहाँ हमारे बैडमिंटन होती है। और मधुबन में जो बास्केटबॉल रिंग बनाई है वहाँ हमारी बास्केटबॉल की कॉम्पिटिशन होगा। 26 तारीख को जब उद्घाटन होगा तब और 31 तारीख को जब समापन होगा, मुख्य अतिथि कौन रहेंगे? मुख्य अतिथि अपनी एक्स क्रिकेट कसौटी कैप्टन डायना एडुल जी वो आने वाले हैं, और सिने अभिनेता सुनील बर्वे वो आने वाले हैं, चंद्रकांत कुलकर्णी जो डायरेक्टर भी है अभिनेता भी है वो आने वाले हैं ओपनिंग के लिए, और उसके बाद में बहुत सारे सेलिब्रिटी यहाँ आने वाले हैं। महापौर साहब, एक सवाल ये है कि कई ऐसे नए आज के जनरेशन के बच्चे जो आईटी में और इंजीनियरिंग में आगे बढ़ रहे हैं, उनको आप क्या आह्वान करना चाहोगे कि जो आकर यहाँ अपने कुछ ऐसे इन्वेंशन का प्रदर्शन करें ताकि उनको भविष्य में आगे बढ़ने का मौका मिल पाए? मैं उनसे आह्वान करूँगा कि आपके पास जो क्वालिटी है, जो आपके पास जो कला है, जो आपके पास साइंटिफिक, जो आपके पास टेक्निकली आपने जो सीखा है, वो वैसे कि ये जो बड़ा स्टेज आपके पास उपलब्ध है उसके माध्यम से मैं उसको आह्वान करूँगा कि आप आगे इधर इसका प्रदर्शन करें। हम उसको अच्छी तरह से उनका प्रदर्शन करेंगे। पिछली बार हम लोग ने एक वर्कशॉप भी रखा था वैसे के छात्रों के लिए, तो वो उसने भी अच्छा काम किया था। तो ऐसा मैं आह्वान करूँगा, मैं आपके माध्यम से आह्वान करूँगा कि वो आए और कला क्रीड़ा के माध्यम से आपका प्रदर्शन करें। महापौर साहब, एक आखिरी सवाल है, वो कला क्रीड़ा से संबंधित नहीं है लेकिन फिर भी कला क्रीड़ा मंडल का उसमें कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी है कला क्रीड़ा का, वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में कोई भी एक भी बड़ा ऐसा ग्राउंड नहीं है, ओपन ग्राउंड, इस चीमा जप्पा जी भी प्राइवेट है समझो, महानगर पालिका का अपना नहीं है, तो क्या महानगर पालिका को इस बारे में सोचना नहीं चाहिए? आने वाले समय में अपनी लाखों की पॉपुलेशन है और ऐसे में कोई एक ग्राउंड नहीं है, बड़े स्टेडियम की हम बात छोड़ दें, वो जब बनेगा तब बनेगा, लेकिन ओपन ग्राउंड हो जहाँ छोटे मोटे हम कार्यक्रम कर सके और कुछ आवक भी जनरेट हो सके, तो ऐसा सोचना नहीं चाहिए महानगर पालिका? जरूर सोचना चाहिए, और जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वो जो प्लानिंग के उसके अंदर अपने जो रिजर्वेशन लगा वो अभी हम लोग ने डेवलप करना चालू कर दिया है, जैसे कि आपने विरार में क्रीड़ा संकुल देखा है वो सही में अप्रूव करने, और अपना कौल सिटी में दो ग्राउंड अप्रूव कर रहे हैं, ऐसे नए नए जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उधर जो आप लोग ने रिजर्वेशन रखे थे वो अभी हम लोग डेवलप कर रहे हैं। अफनोद लाइव को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे गूगल पे बार कोड को स्कैन करें और हमें आर्थिक रूप से मजबूत करें। धन्यवाद। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।